चुनाव में उनका कैंडिडेट लड़ेगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, उस पर बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से लगातार काम कर रही है और कल ये प्रमाणित हो गया कि उनके द्वारा पूरा सहयोग करके साबित कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के मजबूत कैंडिडेट हमारे हमारे मजबूत साथी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को सीबीआई की नोटिस मिली, अभी तक नहीं पूछा गया, अभी तक कोई नोटिस नहीं है। जब मजबूती से इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सारे तय हो गए, सारी सीटें तय हो गई, अनाउंस हो गया, तो अब उनको नोटिस देकर प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से पूरे देश में हर प्रदेशों में जो आप तोड़फोड़ करने का काम, राज्यसभा में वोट क्रॉस कराने का काम, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं सीबीआई का दुरुपयोग किया, कहीं ईडी का दुरुपयोग किया और कहीं इनकम टैक्स और जितनी भी इनकी एजेंसी है उसका दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित करने का, तोड़ने का काम किया है। और निश्चित तौर से ये जनता देख रही है, जनता इसका जवाब आने वाले 2024 में देने जा रही है। अभी आपने देखा कि यहाँ पूरी तरीके से जब से योगी सरकार चल रही है, पेपर लीक का पूरी ये पूरी लीक वाली सरकार बन गई है। अभी 48 लाख हमारे नौजवान साथियों ने एग्जाम दिया, आप उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरीके से ₹400 पर फार्म आप जोड़ सकते हैं। 48 लाख में कितना हुआ, मुझे लगता है सर 200 करोड़ के ऊपर का ये घोटाला हुआ है। केवल अब पैसे आ गए सरकार के फंड में, अब चुनाव में उसका उपयोग करेंगे, चुनाव कराएंगे। ये गरीब बच्चे ₹400 कहाँ से लेकर आए, रहने आने जाने का भाड़ा, रहने का किराया, रहने का होटल का किराया, धर्मशाला या किसी भी जगह पर रहे होंगे उसका किराया दिए होंगे। आज ये बच्चे, गरीब बच्चे कहाँ से ला पाएंगे, उनका भविष्य अंधकार में है। और ये निश्चित तौर से आज ये पूरी सरकार केवल और केवल अत्याचार अन्याय कर रही है नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, न कहीं मूल्य बढ़ाया गया, न कहीं को MSP रेट दी जा रही है, मजदूरों के साथ और छोटे व्यापारियों को कुचलने का काम किया जा रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों का विरोध करती है और जो सबसे मजबूत जो काम किया है हमारे साथियों ने, जो सबसे बड़ा संदेश दिया कि हम दो हैं और दोनों एकजुट होकर इस गठबंधन के साथ खड़े रहे और पूरी ताकत के साथ इस देश को बचाने में, इस संविधान की रक्षा करने में हम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ। केवल जो आठवां कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी को, उनको 29 मत मिले, जिसमें से 21 मत मात्र 21 बीजेपी ने अलॉट किए। तो अलॉटमेंट के पहले ही ये रणनीति उनकी बन गई थी कि उनको क्रॉस वोटिंग करानी है। अगर आप गिनती देख लें तो 7 वोट बीजेपी के समाजवादी के क्रॉस हुए, 7 वोट, और 1 वोट जो भले ही वो वोट 1 है पर उस ये 1 वोट जो BSP का बीजेपी को मिला है, ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं देश की राजनीति को बदलने का संकेत है। मैं इसको दोहराकर बड़ी गंभीरता से मजबूती के साथ कहना चाहती हूँ। तो आप अगर ये गणित देखेंगे तो ये तो पूरी तरह से बीजेपी ने इसकी, ये जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक सो कॉल्ड करी समाजवादी पार्टी पे, ये उनकी खुली पूरी रणनीति यही थी। उनका एक एक वोट गिना हुआ था कि कितने वोट वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को देंगे, अलॉट करेंगे, और कितने वोट वो डिफेक्शन से उसमें जोड़ सकते हैं। 29 वोट मिलने पर उनका 8वां प्रत्याशी विजयी हुआ। मेरा इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगी कि इस आप चुनाव में एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण था। तो भले ही कांग्रेस पार्टी के 2 वोट थे पर वो 2 वोट भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे और कई हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों में बड़ी बेचैनी थी एक दिन पहले कि कांग्रेस में तो कहीं कोई डिफेक्शन होने नहीं वाला। पर मुझे गर्व है अपने साथी पर, अपनी पार्टी पर, कि हम लोगों ने एकजुट होकर के जो गठबंधन का
संकल्प आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने लिया था, उसको हमने इंटैक्ट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमने ये इस रणनीति को सफल नहीं होने दिया, इस अफवाह को सफल नहीं होने दिया भारतीय जनता पार्टी। अंत में एक बात और आप सबसे जरूर कहूंगी साथियों कि आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कल परिणाम रात में आया, आज सीबीआई की नोटिस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मिली है, ये इस बात का संकेत है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। जब जब इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके घटक दलों पर इस तरह का प्रहार करने का पूरा प्रयास किया, और ये एक उनका एक और प्रयास है। पर मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि वो ये एक राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास है। इस गठबंधन का की जो सफलता दिखाई दे रही है, एकजुटता दिखाई दे रही है, ये उसके ऊपर एक प्रयास बीजेपी ने किया है, और ये हमेशा